रुद्राक्ष है प्रॉपरली, रुद्राक्ष के नाम से इनको बेचा जाता है। ये अखरोट के शेप में होते हैं, बड़े शेप में होते हैं, देखने में काफ़ी वजन वाले भी होते हैं और बड़े दिखते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ यार रियल होंगे। और ऊपर इसकी संरचना भी इस तरह से देख सकते हैं, रुद्राक्ष के ऊपर जैसे सरफेस वगैरह हो ना उस टाइप का दिखता है। आप लोग इस भ्रम में कभी ना रहे, इस टाइप का अगर रुद्राक्ष आप कहीं से बाय कर रहे हैं या इस तरह का रुद्राक्ष ले रहे हैं तो आप कतई ना लें, क्योंकि इसको भद्राक्ष बोलते हैं। भद्राक्ष के अंदर कोई भी रुद्राक्ष का जो मैग्नेटिक पावर है, कोई भी जो एक फ्रिक्वेंस है वो फ्रिक्वेंसी नहीं आती है, जीरो लेवल पे रहती है। तो उसको आप धारण करके ना बेनिफिट ले सकते हैं ना नुकसान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं मोती सिंह राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद से आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, एस्ट्रो इंडिया खेतेश्वर रुद्राक्ष पे। दोस्तों, आज रुद्राक्ष के विषय में अनदर वीडियो लेके आए हैं। दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में आज काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगी। और अभी जैसा कि आप लोगों को विदित है, सावन मंथ स्टार्ट हो चुका है कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में लेट 29 के बाद मनाया जाता है, माना जाता है। तो मैं सभी लोगों को सावन मंथ की एडवांस में शुभकामना देता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन मंथ की आप सभी लोगों को। बहुत बहुत मैं ये कर चाहता हूं कि आप सावन मंथ में महादेव जी के मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें, पूजा पाठ करें, और नहीं कर पाएँ तो मिनिमम एक प्रणाम करने तो ज़रूर जाएं और महादेव जी का आशीर्वाद लें, और अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से आप मुक्ति पा सकते हैं। महादेव जी बहुत भोले हैं, इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं। तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और सारे दुख हरेंगे। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले सावन मंथ में जितना हो सके महादेव जी के मंदिर में जाके आशीर्वाद जरूर लें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो है दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में लेके आया हूँ, कितने टाइप के होते हैं। लास्ट में भी हमने बताया था दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में काफ़ी जानकारी दी थी, तो आज कुछ एक अच्छा कलेक्शन लेके, और हमने सोचा एक दो मुखी में काफ़ी अच्छी रेंज हमारे पास आई है, तो पूरी डिटेल में आपको दो मुखी में कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं और कौन से बेटर होते हैं, कौन से रुद्राक्ष वेयर करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ भद्राक्ष होते हैं, बहुत सारी मिथ्याएँ हैं मार्केट के अंदर, और सबका अपना अलग अलग विज़न होता है। किसी का थिंकिंग कुछ होता है कि इसको वेयर करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। तो एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में एक फैक्ट वे में है, बस वही जानकारी मैं देने आया हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा आपका दिल करे उस हिसाब से आप उस रुद्राक्ष में जा सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कितने टाइप के रुद्राक्ष आते हैं, कौन से ऑथेंटिक होते हैं, कौन से आप रुद्राक्ष धारण करके आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों तक हम एक परफेक्ट और एक जो एक बैलेंसिंग जो नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, वही हम यहाँ से प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो कोई भी वीडियो में तो मैं समझ आता हूँ आपसे। जितना ट्राई हम यही करते हैं मैक्सिमम आपको परफेक्ट जानकारी मिले नॉलेज के साथ। जितने भी हमारे रुद्राक्ष के लवर हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू लाइक्स कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलता हूँ आज के सब्जेक्ट दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में। दो मुखी रुद्राक्ष में कितने टाइप के रुद्राक्ष आते हैं, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। आपने मार्केट में देखोगे आप अखरोट के जैसे ही, ये अखरोट के जैसे जितने भी रुद्राक्ष दिख रहे हैं आपको, ये दो मुखी रुद्राक्ष है। इंडिया रामेश्वरम साइड में होते हैं, केरला साइड में होते हैं। एक्चुअल में इनको रुद्राक्ष नहीं कहा जाता, ये भद्राक्ष है प्रॉपरली। रुद्राक्ष के नाम से इनको बेचा जाता है। ये अखरोट के शेप में होते हैं, बड़े शेप में होते हैं, देखने में काफ़ी वजन वाले भी होते हैं और बड़े दिखते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ यार रियल होंगे। और ऊपर इसकी संरचना भी इस तरह से देख सकते हैं, रुद्राक्ष के ऊपर जैसे सरफेस वगैरह हो ना उस टाइप का दिखता है। तो आप लोग इस भ्रम में कभी ना रहे, इस टाइप का अगर रुद्राक्ष आप कहीं से बाय कर रहे हैं या इस तरह का रुद्राक्ष ले रहे हैं तो आप कतई ना लें, क्योंकि इसको भद्राक्ष बोलते हैं। भद्राक्ष के अंदर कोई भी रुद्राक्ष का जो मैग्नेटिक पावर है, कोई भी जो एक फ्रिक्वेंस है वो फ्रिक्वेंसी नहीं आती है, जीरो लेवल पे रहती है। तो उसको आप धारण करके ना बेनिफिट ले सकते हैं ना नुकसान, कुछ भी नहीं। जस्ट एक डेमो की तरह होता है, आपने वेयर किया है बस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो भद्राक्ष मैं सजेस्ट करूँगा कभी ना वेयर करें आप।
उसके बाद लेके चलता हूँ मैं रुद्राक्ष, आपको एक दूसरा मिलेगा उत्तराखंड साइड का, हिमालय की धरती पे कुछ रुद्राक्ष होते हैं जिसका पावर लो है, लेकिन अल्टरनेटिव के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में नेपाली रुद्राक्ष भी बताऊंगा। नेपाली रुद्राक्ष कंपेयर टू ये सब में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर ये रुद्राक्ष सेल होने का रीज़न ये है कि एक्सपेंसिव रुद्राक्ष होते हैं तो वो लोग बाई नहीं कर पाते, तो उसके कंपेयर में इस तरह के जैसे वो इंक्वायरी करते हैं कि मुझे दो मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो इसको मस्त पेंडेंट वेंडेंट कैपिंग वैपिंग बना के 200-500-700 रुपये में सेल कर देते हैं। तो क्लाइंट्स को लगता है यार ये तो काफ़ी चीप है, मैंने तो वहाँ पर प्राइस कन्फर्म किया था तो मेरे को 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 बताया था, तो इतना एक्सपेंसिव रुद्राक्ष वो क्यों बता रहे हैं। तो हो सकता है मुझे ये जो ऑथेंटिक मिल रहा है तो ये रुद्राक्ष ओरिजिनल होगा, वो बंदा जो दे रहा है 500-700 के अंदर, लेकिन एक्चुअल में ये होता है भद्राक्ष है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह का रुद्राक्ष आप कभी भी ये नहीं बाय करें, रुद्राक्ष के रूप में ये भद्राक्ष को बेचा जाता है, तो इस भद्राक्ष को कभी भी यूज़ ना करें आप। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है जैसे उत्तराखंड का मैंने बताया, उत्तराखंड का ये इस तरह का रुद्राक्ष होता है, इसको भी काफ़ी लोग भद्राक्ष कहते हैं, बट हिमालय की धरती पे है, नेपाल भी हिमालय से पूरा जुड़ा हुआ है उस तरह से, तो वहाँ के जो कुछ रुद्राक्ष है उनके अंदर जो साइंटिफिकली जो एक बैलेंसिंग जो पावर होता है वो जैसे आप एक इंडोनेशिया की माला यूज कर रहे हो उससे कंपेयर में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मार्केट में काफ़ी लोग ये रुद्राक्ष वेयर करते हैं और इसका इफेक्ट भी लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस में कंपेयर दूसरों से सस्ता पड़ता है नेपाल से। तो अल्टरनेटिव के रूप में आप इस रुद्राक्ष को यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मन मानता हो तो, क्योंकि डेफिनेटली ये रुद्राक्ष मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आपको, आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिवल माना गया है अल्टरनेटिव के रूप में। आपको प्रॉपर इफेक्ट लेना है तो आपको नेपाली रुद्राक्ष धारण यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे दो मुखी का प्रॉपर बेनिफिट मिले, दो मुखी रूलिंग प्लैनेट मून चंद्रमा है, चंद्रमा रिलेटेड पावर लेना चाहते हैं, तो आप इंडोनेशिया का रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं, बट इंडोनेशिया में आपको कम से कम 108 दाने यूज करने पड़ेंगे पूरी माला, क्योंकि इसका जो पावर फ्रिक्वेंसी है बहुत लो होती है, बहुत लो लेवल पे होती है, तो अगर आप उसके 100+ बीट्स अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो एक कहूँगा तो थोड़े एक लेवल तक बैलेंसिंग तक आप उसका इफ़ेक्ट ले सकते हैं, और कंपेयर टू जो नेपाली होता है रुद्राक्ष सिंगल बीट्स उसके सामने अगर आप 108 दाने भी ये ले लेंगे तो काफ़ी चीप पड़ते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी कॉस्टिंग कम रहती है, तो इसका आप इफेक्ट ले सकते हैं दो मुखी के अल्टरनेटिव के रूप में। इंडोनेशियन है इसको प्रॉपर रुद्राक्ष ही बोलते हैं, लेकिन अगर ये यूज करना चाहते हैं या फिर आप ये दोनों यूज कर सकते हैं, और इस तरह की माला वगैरह आपको प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी की मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट वगैरह में भी अवेलेबल। अगर आप ये माला इस तरह की चाहते हैं या इस तरह का ये दो मुखी रुद्राक्ष आप चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको मेन प्रोडक्ट पे, मेन पावरफुल जो सबसे पावरफुल रुद्राक्ष है दो मुखी, अगर मूल चंद्रमा के लिए आप वेयर करना चाहते हैं तो वो दो मुखी रुद्राक्ष फ्रॉम दी नेपाल, प्रॉपर नेपाल का रुद्राक्ष है वो सबसे इफेक्टिवल होता है, लेकिन कंपेयर टू ये सभी से वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। आप हो सकता है आपको इनकी कंपेयर में 30-40 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़े, क्योंकि एक अच्छा नेपाली रुद्राक्ष के लिए आपको अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा तभी आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक नेपाली रुद्राक्ष मिलेगा। और दूसरी पहचान होती है बादाम के जैसे, आपको नेपाली रुद्राक्ष कभी भी मिलेगा ना वो छोटी साइज में मिलेगा, किसमिस बादाम जैसा शेप होता है ना उतना, ये 16 mm 17 mm 18 mm मैक्सिमम 20 mm आते हैं, कभी कभार रेयर में देखने जाएंगे तो 22-23 mm, कभी बहुत कम 22-23 mm भी बहुत कम मिलते हैं, 18-19 mm रेगुलर ये पीस मिलते हैं। इसके अंदर दूसरी पहचान होती है इसके फ्रंट में, अगर आप इसको फ्रंट में देखेंगे तो इसमें नेचुरल हॉल होता है, बाकी कोई भी रुद्राक्ष में नहीं होता है। आप ये उत्तराखंड का भी रुद्राक्ष लेंगे ना तो इसमें भी मशीन से ड्रिल ही किया जाता है, नेचुरल हॉल नहीं होता है। क्लियर जानकारी देंगे आपको जो भी है, कोई तरह का छुपा जानकारी नहीं है, परफेक्ट आपको जो परफेक्ट जानकारी रहेगी वही मिलेगी। तो अगर आप परफेक्ट बैलेंस और परफेक्ट इफेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष फ्रॉम दी नेपाल ये धारण कर सकते हैं। इसके दोनों साइड में कंप्लीट लाइनिंग होती है फुल्ली,
काफ़ी अच्छा गाना। फ्रंट में पूरा क्लियर ओपन होल होता है, बैक साइड में थोड़ा सा आपको प्रेस करने की ज़रूरत होती है, तो आरम पार आप वायर इसमें कर सकते हैं। इसको थ्रेड में, सिल्वर कैप में आप जैसा वायर करना चाहते कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट ये पूरी डिटेल की हुई है। 17.64 mm का है, 1 gram इसका वजन है, और ये ओरिजिन यहाँ लिखा हुआ था। ओरिजिन बोले तो नेपाल का है ये नेपाल का 2 मुखी रुद्राक्ष है प्रॉपर। अगर आप मून रिलेटेड प्रॉपर बैलेंसिंग पावर लेना चाहते हैं तो आपको नेपाली 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष में हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज है, काफ़ी क्वांटिटी भी है। आपको जितने भी बीट्स चाहिए 2 मुखी रुद्राक्ष के अंदर हमारे यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा, क्वान्टिटी में अवेलेबल। अभी सावन मंथ में आप चाहते हैं कि मैं 2 मुखी रुद्राक्ष वेयर करूँ तो डेफिनेटली आप वेयर कीजिए, इससे बढ़िया समय नहीं है रुद्राक्ष धारण करने का। श्रावण मंथ में आप रुद्राक्ष डेफिनेटली धारण करें, सबसे बेस्ट मुहूर्त माना जाता है, और इसमें आप एक अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। इसमें काफ़ी रेंज में अवेलेबल है हमारे पास। 2 मुखी रुद्राक्ष आप चाहते हैं, इंडोनेशियन माला चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8888990399, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप हमसे रुद्राक्ष की माला प्राप्त कर सकते हैं और नेपाली रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट का पिक्चर, वीडियो, फोटोग्राफी वगैरह आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज डाल दीजिए, और आपका जो भी डिमांड है उस पर नोट डाउन करके आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो हमारी टीम में जैसे ही कोई बंदा अवेलेबल होगा आपको फ़ोटो वीडियो शेयर कर देगा। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं और इतना है सभी रुद्राक्ष लवर का, मैं एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।